हटो। कौन? ये क्या कर रहे हो तुम? कौन? अभी तो यहाँ कोई नहीं था, तुम कहाँ से आए? मैं तो यहाँ बहुत पहले आ गया था, मगर यहाँ से कभी गया ही नहीं। तुम जो कोई भी हो, यहाँ पे चले आओ। क्या हुआ, बड़ी जल्दी में हो? थोड़ी बात ही कर लेते। तुम ना परेशान से लग रहे हो। ये सब देखकर तो ये लगता है कि तुम अपनी जान लेने वाले हो, है ना? तुमसे मतलब? मैं कुछ भी करूं, मेरे ना रहने से यहाँ किसी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? एक बात बोलूं, दूसरों के लिए तुम्हारी आंखें यूं ना रोती अगर तुमने अपनी जिंदगी से खुद मोहब्बत की ना होती। तुम क्यों रो रहे हो? आखिर ऐसी बात क्या है? मुझसे कोई प्यार नहीं करता, ना मेरे घर वाले, ना मेरे दोस्त, ना मेरे जीएफ। मुझसे सब नफरत करते, सब नफरत। ऐसे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा अच्छे से बताओ। मेरी नौकरी छूट गई थी, 2 महीने से मैं फ्री हूं, मेरे पास कोई सैलरी नहीं है, और तभी मेरे पापा की भी नौकरी छूट गई। इस चक्कर में बहुत परेशान हूं। अब तो मेरे घर वाले भी मुझे ताना मारने लगे कि तू कुछ करता नहीं है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? और तो और, अब मेरे दोस्त ही मेरे से बात नहीं करते। जब मेरे पास नौकरी थी, मेरा दोस्त मेरे को पैसे मांगने के लिए फोन करते थे, अब मुझे एक भी फोन नहीं करता है। और तो और, मैं तो बहुत परेशान हूं, मैं क्या करूं? अब मेरे को कोई नहीं पूछ रहा, अब मेरे को कोई नहीं पूछ रहा। जब मुझे जरूरत है तो मुझे कोई नहीं पूछ रहा है। और तो और, मेरी गर्लफ्रेंड दूसरे के लिए मुझे छोड़कर चली गई। मैं क्या करूं? मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, मैं अकेला हूं, मैं क्या करूं? लड़का मुझसे भी ज्यादा पैसे वाला है, मेरे पास जिंदगी जीने की अब कोई वजह ही नहीं बची। अब तुम बताओ मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं क्या करूं? सब मुझसे दूर होते जा रहे हैं, मैं अपनी जान ना लूं तो क्या करूं? अच्छा, ये बात है, मगर इन सभी चीजों से कोई अपनी जान तो नहीं ले सकता। और किसने कहा कि तुम्हारी जिंदगी खत्म करने से सारी प्रॉब्लम तुम्हारी खत्म हो जाएंगी? तुम्हारे चले जाने के बाद किसको ज्यादा फर्क पड़ेगा, तुम्हारी फैमिली को ना कि गर्लफ्रेंड को? ना फर्क पड़ेगा तेरे उन मतलबी दोस्तों को, थोड़े दिन शोक मनाएंगे, अच्छा इंसान था, इसके बाद तो भूलना ही है ना। और तुम ऐसे लोगों के लिए अपनी जान देना चाहते हो? पर मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। किसने कहा? तुम्हारी फैमिली ने कभी ऐसा कहा? नहीं, पर वो ताने तो देते हैं ना कि मैं कुछ नहीं करता। तुम्हें पता है, आज से 2 साल पहले मैं भी यहाँ पे सुसाइड करने आया था, पर मुझे समझ आ गया था कि मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा हूँ। क्योंकि मेरी माँ किसको फोन लगा कर कहती कि बेटा खाना खाया, और मेरी छोटी बहन, मेरी छोटी सी बहन किसकी कलाई पे राखी बांधती, मेरे पापा किसकी आंखों में अपने सपनों को पूरा होते हुए देखते। और मेरे जाने के बाद मेरी सारी जिंदगी की प्रॉब्लम तो सोल्व हो जाती, मगर मेरी फैमिली का क्या? जिसने मुझे आज तक इतना बड़ा किया, इतना मुझे पाला, उनका क्या? मुझे कोई हक नहीं है कि मैं खुद अपने लिए जीऊं। जिस माँ ने मुझे आज पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और वो एक रोटी खुद कम खाती थी मगर मेरा पेट भरती थी। जिस पिता ने अपनी ख्वाहिशों का गला घोट कर मेरे सपने पूरे किए ताकि मैं उनकी जिंदगी संभाल सकूं, उन्हें मैं कैसे आंसू को समंदर में छोड़ के जा सकता हूं? अब तुम्हें क्या हुआ? प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं होती, इंसान गलती खुद करता है मगर जिम्मेदार उस ऊपर वाले को ठहराता है। वो तो भगवान है, फिर भी तुम तो इंसान हो, किसी और के चले जाने से तुम अपनी जिंदगी थोड़ी ना खत्म कर दोगे। तुम्हें पता है, जब एक चिड़िया एक पेड़ पर बैठती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे पेड़ से मोहब्बत हो गई है, क्योंकि उसकी ख्वाहिश है आसमान में उड़ने की। तुम भी उसी तरह अपनी ख्वाहिशों को पूरा करो। कौन तुम्हारे साथ है, कौन नहीं, ये मत सोचो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपका नाम क्या है? कोई बात नहीं, ये ऐसी गलती है जिसकी सजा उस इंसान को नहीं मिलती है जो ऐसा करता है, इसकी सजा उसके परिवार को मिलती है। और इस गलती को इंसान सुधार भी नहीं सकता। एक गलती मैंने भी की थी। कौन सी गलती? मुझसे कोई प्यार नहीं करता, सब मुझसे नफरत करते हैं। मेरी मौत का जिम्मेदार हर वो इंसान है
जिसकी वजह से मैंने ये कदम उठाया, इसलिए मैं अपनी जान ले रहा हूं। मैं तो यहां बहुत पहले आ गया था, मगर यहां से कभी गया ही नहीं। एक गलती मैंने भी की। जो खुद से हार गया उसके लिए दूसरों से उम्मीद रखना नाइंसाफी है। और उड़ने के लिए पंखों की जरूरत किसे है, मेरे लिए तो मेरे हौसले ही काफी है।